आपके थ्रू एक आवाज दूर तक जाए कि अगर इनकी आवाज नहीं सुनी गई बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सड़कें जाम होंगी और इस तरह का आंदोलन होगा कि मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन बेटियों के सम्मान में हम अपनी गर्दन भी कटा। भाजपा के अतीक अहमद है वो, भाजपा को लेकिन दिखाई नहीं देता अतीक अहमद, दूसरा दिखाई देता, अपना अतीक अहमद नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे पास इतने बंदे हैं दिल्ली में कि सबको देख लूंगा, हम खुला चैलेंज है ब्रज भूषण जी को, क्या इस पर इस मर्जी भाई साहब हमसे सामना कर ले, आमना सामना, एक भी पहलवान से आके हमारे से कुश्ती भी करके देख ले, वो छोटे वो तो जेंट्स है, एक हमारी कोई सी लड़की से करके देख ले सिर पे। इस तरह की आज मोदी और योगी सरकार इसके सामने ब्रजभूषण के सामने झुकी हुई है। ये एक प्रकार का जैसा एक औरंगजेब हमारे देश के अंदर आया था जिसने हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करे थे, आज उससे ये अलग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज में आपका स्वागत है। आज फिर हम लगातार जिस तरह से हम आपको अपडेट दिखाते रहते हैं जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं, रात के 1 से 2 बजे के बीच में जिस तरह से महिला पहलवान हमारे भाई जो देश के लिए मेडल लाते हैं, सोना लाते हैं, जिस तरह से उनका मान सम्मान किया जाता है, लेकिन उसी तरह से जिस तरह से रात के 1 बजे बदतमीजी की जाती है महिला पहलवानों के साथ, उनको अंदर आने से रोका जाता है और जब अंदर आने की कोशिश करते तो उनको महिला पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वो आपने सबने देखा और जिस तरह से वीडियो वायरल हुई उसके बाद यहाँ पर जंतर मंतर पर युवा साथी बुजुर्ग माताएं बहनें लगातार यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए, इनका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, पूछते हैं कि कहाँ कहाँ से ये साथी आए हुए हैं। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आप आए हो। हम यूपी हापुड़ से आए हैं। आप सर? यूपी हापुड़ से। आप बताओ जी? JP सिंह मास्टर जी, दिल्ली से। दिल्ली से आप सर? यूपी हापुड़। हाँ जी सर। पश्चिमी यूपी। आप सर? लखनऊ है दुबई। आप सर? बड़ौद। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से? सोनीपत। सोनीपत से, हरियाणा से। आप सभी यहाँ पर आए हैं तो आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? ऐसा है, रात इन्होंने ये जो घटना करी है उसे देखने के बाद इन पहलवानों के चाचा भाई ताऊ भतीजे दादा सब आ गए हैं और अब चैलेंज कर रहे हैं कि जो रात किया है अब करके दिखाए कोई हमारे पहलवानों के साथ। और ये जो भारत का गौरव है, भारत का गौरव है, ये जो हमारे सड़कों पर रात खून के आंसू रो रहे हैं, उन्हें देखने के लिए कोई भी नहीं है ना। अब जब ये रेसलर हमारे खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी पदक लाते हैं तो पूरा देश गौरव होता है, पूरे देश ताली बजाता है, सब गर्व महसूस करते हैं, लेकिन आज कोई पूरा देश एकजुट हो रहा है? अब तो सीधा सीधे बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण जी भी सीधा कि मैं देख लूँगा सबको, सबको देख लूँगा, मेरे पास इतने बंदे हैं दिल्ली में कि सबको देख लूँगा, हम खुला चैलेंज है ब्रजभूषण जी को, हमसे सामना कर ले, आमना सामना, एक भी पहलवान से आके हमारे से कुश्ती भी करके देख ले, वो छोटे वो तो जेंट्स है, एक हमारी कोई सी लड़की से करके देख ले। भाई साहब इस तरह के बयान देकर वो साबित नहीं कर रहे कि वो बहुत बड़े बाहुबली है? इस तरह के बयान सोबत देते इस पद पर पहुंचे? बिल्कुल बाहुबली हैं वो, पुलिस जब उनका प्रशासन कुछ कर नहीं रहा तो वो बाहुबली हुए। भाजपा के अतीक अहमद है वो, भाजपा को लेकिन दिखाई नहीं देता अतीक अहमद, दूसरा दिखाई देता, अपना अतीक अहमद नहीं दिखाई दे रहा। बाहुबली तो इतना बड़ा है, एक खिलाड़ी है देश का नाम जिन्होंने बढ़ाया भाई साहब, वो खिलाड़ी उन खिलाड़ियों की किसी ना किसी तरीके से वीडियो वायरल होती है, उनको बोलते हैं कि ये तो 5 स्टार में होटल में खाना खा रहे हैं। एक खिलाड़ी जो यहाँ पर मच्छरों के अंदर बैठा, उनकी बिजली काट दी जाती है, वो खाना खाने से भी गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहाँ पर खाना खाते हैं आप लोग ही मुझे बताएं, कितनी उनकी सेफ्टी होती है, कौन सी कंट्री उनकी सेफ्टी नहीं करती, 5 स्टार या 3 स्टार होटल में उनका मैनेजमेंट ही तो करता है सब खाना पीना। और जैसे वो बोल रहे हैं कि ऐसे फोटोशूट, क्या अपने माता पिता या गुरु जी के गले नहीं लगता कोई? अगर कोई हम कुछ उपलब्धि ले रहे हैं तो अपने माता पिता के साथ नहीं लग सकते जो इन लोगों को वो दिखा रहे हैं, क्या गलत नहीं है ये विचार? ये तो मैं बताऊं मानसिकता कैसी होगी यहाँ के देश की। एक अभी हमारा अर्शदीप है क्रिकेटर, उसने एक कैच छोड़ दिया था पीछे मैच में, उसे खालिस्तानी बोलने लगे, यहाँ की मानसिकता ऐसी होगी, गुलाम हो गए ये, मानसिक गुलाम, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, बस अगर BJP का नाम आ गया, जहाँ कमल का फूल दिख गया या हिंदू या मुस्लिम की बात आ गई, बस वो ही सही है, और कुछ सही नहीं है, और कुछ सही नहीं है उसके बाद। और एक एक बात बताओ, ये है बेटा, ये लिस्ट लग रही है यहाँ पे मेडलों की भी लग रही है और उसके उसकी भी लग रही है जो उस पर मुकदमे है, और यूँ भी सबको पता है कि कौन कौन सी उसमें थाने में मुकदमे है, उस पर कोई झूठे नहीं है। आदमी ये सोचने से तो रहा कि जो आदमी मुकदमे जिस पे जितने 40 मुकदमे है या जो 40 मेडल ला रहा है वो झूठा है या फिर मुकदमे वाला झूठा है, सच्चा मानो बैठे ब्रजभूषण को, और वो खुला कह रहा एक वीडियो में उसने यूं भी स्वीकारा कि हमने बंदे मारे हैं, मतलब मारा और राइफल उठाई और मैंने मार दिया, खुला इंटरव्यू दिया था उसने पत्रकार को, उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और किसी ने आज तक किसी को मोदी को चोर कह दिया तो उसकी सदस्यता भी भंग कर दी, 2 साल का बैन लगा दिया कि चुनाव भी नहीं लड़ सकता। यू धर्मनिरपेक्ष जो देश है ना, जो खत्म हो गया, संविधान पर कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे तानाशाही है। और बाहुबली की बात ऐसी है, ब्रजभूषण है इतना बड़ा बाहुबली, वो योगी से योगी को नुके भाई नुके, यू मेरे सामने कुछ नहीं है। हाँ, योगी को नहीं मानता कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, वरना उसने सीधा कह दी कि मोदी मेरे नेता हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं मानूंगा बात को जो वो कहेंगे। हाँ, इस्तीफा दे दूंगा। अमित शाह और मोदी को मान रहा बस जो भी है, तो इसका अंदाजा लगा लो कि जब योगी योगी उसके सामने चुप है, कुछ नहीं कह रहा, जब योगी अतीक को मिट्टी में मिला सके, उसमें इतनी पावर है, तो इसके सामने क्यों नहीं बोल रहा? राजनीति है क्या, क्या देख रहे हो राजनीति? देख रहे इसमें हम जी एक चीज देखना चाहते हैं, अपना पलड़ा ऊपर रहना चाहिए, साम दाम दंड भेद, प्रजा प्रजा किसके अधीन होती है जी? प्रजा राजा के अधीन होती है ना। जो क्लास में बच्चे होते हैं, बच्चे किससे गुहार करेंगे जाके कि हमारे साथ ये हो रहा है? प्रिंसिपल से नहीं, पहले अध्यापक से बोलेंगे। जब अध्यापक नहीं सुनता वो प्रिंसिपल से बोलते हैं, और अध्यापक का इतना जोर हो स्कूल के अंदर और वो ये कहे कि 20 स्टूडेंट तो मेरे हैं, तुम मुझे निकालोगे तो मैं 20 स्टूडेंटों को लेके साफ जाऊंगा, सारा षड्यंत्र यहाँ है और कहीं नहीं है। आज मोदी और योगी सरकार इसके सामने, ब्रजभूषण के सामने झुकी हुई है। ये एक प्रकार का, जैसा एक औरंगजेब हमारे देश के अंदर आया था जिसने हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करे थे, आज उससे ये अलग नहीं है। ये शरीयत कानून हमारे भारत के संविधान से तो शरीयत कानून भी आज मुझे नजर आ रहा है। जो ये शरीयत कानून को बीजेपी विपक्षी दल जो भी बुरा बताते हैं, क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे इस सजा, इस चीज की सजा 24 घंटे के अंदर सिर्फ क्या होता है? मर्डर, गोली उसकी सजा होती है। इससे अच्छा तुम्हारा शरीयत कानून लगा दीजिए यहाँ पे भारत के अंदर। सर वो कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, आप राष्ट्रपति के अधीन क्या होता है? राष्ट्रपति के अंदर जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति हमारा हो, प्रधानमंत्री हमारा हो, मुख्यमंत्री हमारा हो, तो किसकी चलेगी सर? एक दिन ऐसा आ जाएगा इस माइक की भी नहीं चलेगी। सामने आप हमारे सामने खड़े हो, खड़े होकर देखो ना ब्रजभूषण के सामने, आपका जवाब खुद ही आपको मिल जाएगा। वो पत्रकार का आपने देखा भी होगा, आपको आपको ये सारे जवाब स्वतः ही आपकी आत्मा से आपको मिल जाएंगे जिस टाइम आपका ये माइक आपके मुंह पे मार के बाहर कर दिए जाओगे। इस देश में दो कानून हो गए हैं, एक तो मोदी और बीजेपी के लिए अलग कानून है और अदर्श के लिए अलग कानून है, आम जनता अलग होगी। दो कानून हो गए इस देश में और वो मोदी चला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो रोड के ऊपर बैठे जंतर मंतर में मजबूर हो चुके हैं, और एक आम आदमी का क्या होगा फिर? क्या कहना चाहोगे? एक जमीन की सुनाई नहीं, आदमी को तो ये पिटाई करके बहुत अच्छी तरह से भेजेंगे, लगा के उसमें है ना धाराएं बड़ी बड़ी भेज देंगे जेल, और जिसके ऊपर धाराएं लगी है उसे तो छेड़ते भी नहीं, देख भी नहीं रहे, उसे तो डर रहे हैं। देखने की बात ऐसी है, हाथरस में कांड होया था कुलदीप सेंगर वाला, एक दलित लड़की थी जो रातों रात जला गए पुलिस ने भी, और उसका पोस्टमार्टम भी ना करा, और उनपे मुकदमा नहीं हुआ, अब भी बरी घूम रहे हैं वो। देखो जी, तो एक कहीं ना कहीं योगी, कोई मर्डर कर दूं, कोई मर्डर कर दूं तो मुझे इतना पता है 1 घंटा मुश्किल लगेगा, पुलिस मुझे भी और मेरे घर वालों को भी घर से उठा के ले जाएगी, पर चोर को इनसे पकड़ा नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात है, आपका चैनल दूर तक जाता है, मैं बताता हूँ कि बेटियाँ हमारी सबकी साझी विरासत हैं, बेटियां हमारी सबकी अमानत है, और यहाँ जाति में बांट करके हम उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बेटियां सबकी हैं, ये पहलवान जब मेडल लाते हैं, आप एक चीज देख लीजिए, एक तरफ 40 मेडल हैं और एक तरफ 40 मुकदमे हैं, आप कौन सा ग्राफ ऊंचा करना चाहते हो? 40 मुकदमे वाला है, 40 मेडल वाला? देश का अब तो ऐसा ही दिख रहा है कि 40 जो केस लगे हैं वो वही ऊपर दिखाई दे रहा है। देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, सम्मान तो जंतर मंतर पे रोड के ऊपर बैठा, रोड के ऊपर बैठी है। सम्मान की बात तो ऐसी है, तो आपके थ्रू एक आवाज दूर तक जाए कि अगर इनकी आवाज नहीं सुनी गई, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सड़कें जाम होंगी, और इस तरह का आंदोलन होगा कि मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन बेटियों के सम्मान में हम अपनी गर्दन भी कटा देंगे। अब करें वो अब आकर कर रहे, इन खिलाड़ियों का पूरा देश एक आ गया, उनके भाई भतीजे सब आ गए, अब करके दिखाए कोई भी बदतमीजी, अब आके तो देखे, यहाँ करके दिखाओ बदतमीजी, हम देखेंगे उसे। अब गुंडों की पार्टी तो ऐसी है, एक बात बताओ, लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर है, जेल में से इंटरव्यू हो रहे हैं उसके, तो कौन सा हीरो या कौन से मेडल ले आया हो, उसे क्यों नहीं मरवाते? उसे पाल रहे हैं, ये सरकार पाल रही है, अभी पूरी उसे हक दे रखा, पूरी सिक्योरिटी दे रखी है, ऐसे पाल रहे हैं जैसे बहुत बड़ा नेता या बहुत बड़ा हो। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? सर नमस्कार, आपके चैनल से मैं तो देख के ताज्जुब हूँ सर, मैं एक NRI हूँ,
मैं दुबई बेस्ड हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं आया खासकर इनके लिए साथ खड़ा हूँ। अभी मैं सुन रहा था भाई साहब, वो आपके इसी तरह यूट्यूबर थे, वो यहाँ पे जाति धर्म की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए यार। हम लोग दुबई की तो कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती यार, हम सब इंसान, ये हमारा भाई है। जब एक मेडल आता है तो हर कोई सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। सर हम लोग दुबई में महंगे महंगे टिकट लेके अपने प्लेयर्स को, सचिन को, इनको इनको सबको देखने जाते हैं। इनके पीछे पाकिस्तानी हमको संतरे छिलके मारते हैं, वो हमने झेला, झगड़े किए पाकिस्तानियों से, और यहाँ आके अपने कंट्री में देख रहा हूँ कि इनके संग जो इनको जिस तरह से जलील कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत ही शर्म, बड़ी बेहुदा बात है। और इंटरनेशनली इंडिया बहुत कंडम किया जा रहा है ये चीज को। विदेश में रहते हैं, दुबई से आए आप और यहाँ पे ये सब देखा, और वहाँ पे क्या इस तरह का भी होता है? सर ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं होता ऐसा, अगर जिस तरह से ये बहन के साथ ये बदतमीजी हुई है, ऐसा कोई करके वहाँ बताए सर, 24 घंटे नहीं लगेंगे, बिहाइंड द बार होगा, चाहे जितना बड़ा लीडर कुछ भी हो। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बड़े बहुत सर, मुझे पास तो वर्ड्स नहीं है अपनी बात को बताने के लिए, मैं तो देखिए शर्मिंदा हो रहा हूँ। बहनें रो रही हैं रोड के ऊपर, इनके समर्थन में जो इनको सपोर्ट करने का, वो उनकी बहनों के, माताओं के आंखों में आंसू है। और जिस तरह से साक्षी मलिक की माता आई, उनकी सासू माँ आई, तो इस तरह से उनको भी यहाँ पर मिलने के लिए दिया जा रहा है? नहीं मिलने देंगे सर, ये वो तो तानाशाही है एक तरह से, वन मैन शो हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये जिस तरह से ये बहनों से बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, बड़े शर्म की बात है, ऐसा मोदी योगी उनको नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? सर इसमें मैं हंसू या करूं, कोई कार्रवाई नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये होगी। जैसे आप जैसे जब NRI आए हुए हैं, आप जैसे ये पूरे के पूरे युवा साथी आए हुए हैं, तो कार्रवाई तो कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है, लेकिन होगी जरूर, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। मैं इस भैया का हाथ पकड़ उठाता हूँ, कार्रवाई होगी और होना चाहिए भी, ये तो जस्टिस होना चाहिए यार, जस्टिस होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। किसान आंदोलन चलाता है, बताता हूँ सर, मोदी जी का प्रोसेसर बहुत पुराना है, बहुत देर से उनको कल आती है, किसानों में भी देर से कल आई थी और इसमें भी आएगी, हम जीत के जाएंगे, बहनों की जीत होगी। जब किसान आंदोलन चलाते हैं, इन्होंने लाइट भी काटी, पानी बंद करा, सब कुछ करा, इन्होंने यहाँ करा, ये सोच रहे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अगर हम अपनी पे आ गए ना, यहाँ लाइट भी मिलेगी 24 घंटे और पानी भी मिलेगा, और यहाँ से फिर जीत के जाएंगे जैसे वहां से जीत के गए। वो भी जातिवादी में जाट बताया, फिर बताया कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीन से पंडोरी है, और उसमें मरवाए भी इन्होंने दो चार जो भी है इनका, ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं, पहले तो ये देश की बेटियां थी, अब जाट आ गए। तो यहाँ पे एक बात बताओ, जो राजनीति है या उसकी जातिवादी की, सिर्फ ये करते हैं और कोई नहीं कर रहा। हमें कोई हमें ये बताओ, क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी जाट होता है? खिलाड़ी की तो सर बोले, खिलाड़ी की तो जाति नहीं, अगर खिलाड़ी की कोई जात होती है? बिल्कुल कोई जाति नहीं होती खिलाड़ी की, खिलाड़ी है हमारा हिंदुस्तानी। हाँ जब मेडल आता है तो हमारे देश का झंडा जो है वो गौरवान्वित करते हैं ये खिलाड़ी, तो उस टाइम पे तो कोई किसी को पता ही नहीं होता ये खिलाड़ी की जाति क्या है, वो तो खिलाड़ी के रूप में। तब तो मोदी जी भी सब उनके वेलकम में खड़े हो जाते हैं, आज कहाँ गए वो मोदी जी, क्यों नहीं कर रहे उस पर कार्रवाई, क्यों डर रहे हैं उससे, क्या लालच है उससे कोई, या कोई बाहुबली से डर रहे हैं, उनको क्या है, वो क्यों नहीं कर रहे मोदी जी इस प्रकार। सिर्फ एक एक विधायक एक सांसद से जाते ही उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, अरे पूरा देश इनके साथ है, उनके साथ लगेगा पूरा देश, अगर इस काम को वो करते हैं, इसे गिरफ्तार करवाते हैं, पूरा देश उनकी सराहना करेगा कि हमारे हमारी बेटी को उसने उन्हें न्याय दिया है, तो लेकिन नहीं प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है। खत्म करते हम सारे भाई आए हैं हापुड़ से, हमें सब किसान के बालक, हम घर से बिल्कुल फ्री होकर आए, अब घर वालों ने कह के भेजा जाओ, अपनी बहनों का अब तक कब तक इनके सपोर्ट में आप खड़े रहेंगे? किसान आंदोलन में जब तक नहीं हटाता खड़े रहते, ऐसे यहाँ खड़े रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। इस तरह से इन्होंने रात को अकेला फील किया, कोई भी यहाँ पर नहीं था, और इनके साथ इस तरह बदतमीजी की गई, क्या अब आप उनके सपोर्ट में खड़े हैं? बदतमीजी वाले जी अब आ जाओ, बहुत नतीजे सब आ गए हैं, पूरा हिंदुस्तान आ गया है, पूरे दोस्तों जंतर मंत्र से ये डायरेक्ट युवा साथियों ने, ये बुजुर्ग साथी और भी थे हमारे जो यहाँ पर विदेश से भी आए हुए हैं, तो सब ने मिलकर एक ही बात कही है कि जब तक अब यहाँ से जंतर मंत्र से इन खिलाड़ियों के आंसू देखने के बाद जिस तरह से इनके साथ बदतमीजी हुई, इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, अब यहाँ पर माताएं बहने बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहीं पर डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, ये वीडियो उन सभी युवा साथियों तक पहुँच सके जो युवा इन युवा खिलाड़ियों के हमेशा मदद के लिए, इनके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।